नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आज के मुख्य समाचार। रामपाल शर्मा ने थामा भाजपा का दामन। 101 छात्राओं को वितरण की स्कूटी। सावित्रीबाई फुले की मनाई पुण्यतिथि। अवैध शराब परिवहन करते एक गिरफ्तार। भिलवाड़ा की राजनीति में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। 35 साल से कांग्रेस के साथ जुड़े रामपाल शर्मा ने आज कांग्रेस को अलविदा कहे भाजपा का दामन थाम लिया। शर्मा के भाजपा में जाने से अब भाजपा और कांग्रेस में नए समीकरण बनेंगे। कांग्रेस में जहां 3 गुट थे, एक गुट खत्म हो जाएगा, वहीं भाजपा में कश्मकश बढ़ने की चर्चाएं शुरू हो गई है। कांग्रेस के कई पदों पर रह चुके रामपाल शर्मा के साथ ही बड़े उद्योगपति रिजी जुनजुनवाला ने भी आज कमल का हाथ थाम लिया। इससे भिलवाड़ा की राजनीति में उठा पटक की संभावनाएं हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर यह कयास भी शुरू हो गया है कि अब कौन उम्मीदवार होगा, क्या वर्तमान सांसद का टिकट कटेगा और भाजपा में शामिल हुए उद्योगपति या शर्मा को उम्मीदवार बनाया जाएगा। ऐसे में भाजपा की जाजम वर्षों से उठा रहे लोगों में भी नाराजगी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। भाजपा एक दर्जन दावेदार लोकसभा टिकट के लिए लगे हुए हैं, उनमें भी अब हताशा नजर आने लगी है। उधर कांग्रेस में अब तक 3 गुट माने जा रहे थे, एक गुट का अंत हो गया। अब पूर्व मंत्री रामलाल जाट और राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर के गुट सक्रिय है। ऐसे में इनके बीच और रस्साकसी बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। लोग यह कहते भी सुना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में हुई टांग खिंचाई अब और बढ़ेगी, जो लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगी। आप सबकी निगाहें टिकट पर लगी है। राजकुमार मालिक की रिपोर्ट। पूर्व विधायक और किसान नेता सम्मानीय रिक्षपाल जी मिर्दा साहब, पूर्व सांसद पूर्व मंत्री सम्मानीय खिलाड़ी रामजी भैरवा साहब, शाहपुरा के पूर्व विधायक भाई आलोक बेनीवाल जी, डेगाना के पूर्व विधायक भाई विद्यापाल सिंह जी मिर्दा साहब, भीलवाड़ा के कांग्रेस के नेता और भीलवाड़ा से लोकसभा के प्रत्याशी रहे ऐसे रामपाल शर्मा जी, फुलेरा के पूर्व विधायक रामनारायण जी, किसान अनिल व्यास जी, सुरेश चौधरी जी, रिजू झुंझुनवाला जी और हमारे पूर्व विधायक और भिंडर से हमारे जनता पार्टी के भाई रणधीर सिंह जी भिंडर साहब, श्रीमती भिंडर जी और पार्टी में जो आज बहुत बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं, उन सभी का मैं इस भारतीय जनता पार्टी मैं उनको बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से जी, मैंने कांग्रेस 2 साल पहले ही छोड़ दी थी क्योंकि मेरी पॉलिटिक्स में रुचि नहीं थी, लेकिन अब मैंने पॉलिटिक्स वापस ज्वाइन करी है भारतीय जनता पार्टी के थ्रू। प्रधानमंत्री जैसे कहते हैं कि अगले 50 साल भारत के लिए अमृतकाल है, उस अमृतकाल में अगर मेरे को अपना थोड़ी सी भी छाप छोड़नी है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हो सकती है, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन। क्या कारण समझते हैं जो कांग्रेस छोड़ रहे हैं, न सिर्फ राजस्थान में बल्कि अन्य प्रदेशों में, क्या कारण होते हैं, क्यों छोड़ रहे हैं, क्या वजह है? उनकी वजह तो वो ही जाने, लेकिन मेरी वजह थी कि भाई मैं अपने सिर्फ बिजनेस पे ध्यान देना चाहता था, आगे भी बिजनेस पे ध्यान देते रहूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के थ्रू कार्यकर्ता बना के मेरे से जो काम करवाया जाएगा मैं वो करने को तैयार हूँ। जनता पार्टी जो है एक काडर बेस्ड पार्टी है, एक कार्यकर्ता को जो सम्मान देने वाली जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। क्या कांग्रेस में सम्मान नहीं मिल पा रहा था क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता? जी, मेरे को कभी कभी ये लगता है कि कांग्रेस में उद्योगपतियों की एक ठीक से जो एक होना चाहिए जिस तरह का एक रिस्पेक्ट, वो शायद थोड़ा कहीं ना कहीं मिसिंग है। हर उद्योगपति खराब नहीं होता, ये कांग्रेस को ये बात समझनी पड़ेगी। सेठ मुरलीधर मानसिंगा राजकीय कन्या महाविद्यालय भिलवाड़ा में कालीबाई भील एवं देवनारायण स्कूटी फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय स्कूटी वितरण कार्यक्रम प्राचार्य डॉ. सावन कुमार जांगिड़ की अध्यक्षता में आयोजित किया गया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक अशोक कोठारी रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि बाबूलाल टांग तथा संजय राठी रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में स्कूटी योजना के जिला प्रभारी डॉक्टर सुनीता भार्गव द्वारा राज्य सरकार द्वारा संचालित कालीबाई भील एवं देवनारायण स्कूटी योजना के उद्देश्य एवं महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष 181 छात्राओं को स्कूटी वितरित की जा रही है। मुख्य अतिथि विधायक अशोक कोठारी ने छात्राओं को महाविद्यालय जीवन में गुरु एवं अनुशासन के महत्व को बताते हुए सद्गुणों को आत्मसात करने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के अध्यक्ष प्राचार्य डॉ. सावन कुमार जांगिर द्वारा छात्रों को स्कूटी प्राप्त करने पर बधाई देते हुए आगे भी अध्ययन हेतु पूर्ण मनोयोग से प्रयासरत रहने हेतु प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम के अंत में ईएलसी नोडल डॉक्टर शोभा गौतम द्वारा निर्वाचन से संबंधित विभिन्न ऐप की जानकारी दी गई तथा डॉक्टर अनिल कुमार सुणा द्वारा मतदाता शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर छात्राओं ने मतदाता जागरूकता से संबंधित रंगोली भी बनाई। कार्यक्रम के दौरान जिले की सभी स्कूटी प्राप्तकर्ता छात्राओं की करियर काउंसलिंग भी की गई, जिसमें डॉक्टर अनिल सुराणा ने सभी छात्राओं से व्यक्तिगत संवाद करते हुए बातचीत की एवं उनको अपने करियर के लिए उपलब्ध विकल्पों के बारे में समझाया। कार्यक्रम के दौरान समस्त महाविद्यालय परिवार उपस्थित रहा। योजना के अनुसार आज जिला स्तरीय स्कूटी वितरण कार्यक्रम महाविद्यालय में रखा गया है, जिसमें माननीय विधायक महोदय सुखी कोटरे साहब पधारे और 11 छात्राओं को उनके कार्यक्रमों द्वारा स्कूटी वितरण किया गया और बाकी की जो छात्राएं हैं उनको आरसी देकर डीलर के यहाँ से उनको स्कूटी वितरित की जाएगी। ये बहुत ही छात्राओं के लिए लाभदायक योजनाएं हैं। पूरे भिलवाड़ा जिले की जितने भी पढ़ने वाली बच्चियां हैं उनको ये लाभ मिल रहा है और महाविद्यालय जो राजकीय महाविद्यालय भिलवाड़ा है, कन्या महाविद्यालय, वो नोडल कॉलेज होने के कारण जिम्मेदारी से एक कार्यक्रम को आज संपादित करा है और मैं इसके लिए हमारे जो स्टाफ सदस्य हैं, विभाग के जितने भी पदाधिकारी हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। पुलिस थाना फूलिया कला द्वारा मुखबिर की सूचना पर थानाधिकारी सहित कांस्टेबल मनीष कुमार, सतवीर जीतराज, हजारीलाल, सत्यनारायण, राकेश कुमार, मनराज, चालक किशन गोपाल द्वारा डोहरिया के पास से एक गाड़ी से 190 पेटी व्हाइटलेस वोडका व 49 पेटी रॉयल क्लासिक विस्की देशी शराब बरामद की। आरोपी जगदीश चंद्र पुत्र लादूलाल तेली उम्र 42 वर्ष निवासी लांबिया कला पुलिस थाना रायला जिला शाहपुरा को गिरफ्तार किया। धारोई कस्बे में सांवरिया हनुमान मंदिर में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। कस्बे के सांवरिया हनुमान मंदिर के चतुर्थ पाठोत्सव के उपलक्ष्य में मेले के दूसरे दिन सांवरिया हनुमान मंदिर पर हेलीकॉप्टर के साथ ही गांव में विभिन्न देवी देवता व पूरे गांव में सुख समृद्धि हेतु पुष्प वर्षा की। हेलीकॉप्टर को देखने हेतु सैकड़ों की तादाद में लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई, जिसमें कस्बे वासियों व आसपास के क्षेत्र के ग्रामीणों ने हेलीकॉप्टर देखने का आनंद लिया। महंत बाबूगिरी महाराज ने बताया कि शाम जगदीश वैष्णव प्रेम शंकर जाट के मुख्य वाणी द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। वे 3 दिन तक हेलीकॉप्टर द्वारा कस्बे व सांवरिया हनुमान मंदिर प्रांगण में पुष्प वर्षा की जाएगी। मंदिर व्यवस्थापक विकास ने बताया कि मेले में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। जगदीश माले की रिपोर्ट। परिवार में किसी को भी हृदयघात या ब्रेन स्ट्रोक आने पर 2000 परिवारों ने महेश आरोग्य किट जीवन रक्षा के लिए घर ले जाकर रखे। मौका था दक्षिणी राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी सभा के तत्वावधान में सर्व समाज के लिए पहली बार पहल कर हार्ट अटैक के बचाव के लिए निःशुल्क महेश आरोग्य किट का वितरण रविवार को सूचना केंद्र चौराहे पर किया गया। कार्यक्रम प्रभारी महावीर समदान ने जानकारी देते हुए बताया कि महेश आरोग्य किट का शुभारंभ सांसद सुभाष पहेड़िया, सीएमएचओ डॉक्टर सीपी गोस्वामी, प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम चिचाणी, प्रहलाद राय लड्ढा, दीनदयाल मारू, ओम प्रकाश कटियानी, देवेंद्र सोमानी, अशोक बायती, केदार गगरानी ने भगवान महेश के दीप प्रज्वलन कर किया। शिविर में प्रदेश सभा के तत्वावधान में 6000 महेश आरोग्य किट निःशुल्क वितरण करने की घोषणा की गई। दानदाताओं में राजेंद्र भदादा, दीनदयाल मारू, अनिल सोनी, सत्यनारायण जागेटिया, ओम प्रकाश कट्यानी, राजेंद्र समदानी ने अपनी ओर से निःशुल्क किट वितरण करने की घोषणा की। डॉक्टर अभिनय निर्वाण ने बताया कि इसकी गोलियां खाली पेट भी दी जा सकती है एवं किसी भी उम्र के रोगी के हार्ट अटैक के सिम्टम्स आने पर इसे तुरंत सेवन कर चिकित्सक से परामर्श लेनी चाहिए।
ये महेश्वरी सभा की तरफ से एक बहुत ही ज्यादा अच्छी पहल है। ये जो आरोग्य किट है इसके अंदर तीन गोलियां हैं, एक गोली जीप के नीचे रख के लेनी है और बाकी दो पानी के साथ लेनी है। ये भूखे पेट ले सकते हैं गोलियां, तो इमरजेंसी के टाइम पे मरीज को ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ खा के लेनी है। इनसे इमीडिएट इफेक्ट आ जाएगा ताकि मरीज को टाइम मिल जाए कि वो हॉस्पिटल जाके दिखा पाए। इस गोली का कोई साइड इफेक्ट वगैरह भी है? नहीं, इस गोली का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस गोली के जो भी इफेक्ट हैं बहुत इमीडिएट इफेक्ट्स हैं ताकि मरीज इंस्टेंटली मरीज को रिलीफ मिल जाए। वो इसमें एज का फैक्टर तो नहीं है कभी? नहीं, इसमें कोई एज का फैक्टर नहीं है। ये किट लाई इसलिए गई है क्योंकि आजकल यंग एज में जो हार्ट अटैक्स आ रहे हैं तो उनके लिए ओल्ड एज कोई भी एज के लोग ये किट को ले सकते हैं ताकि हार्ट अटैक इमीडिएटली प्रिवेंट हो जाए। सर आपका नाम? डॉक्टर अभिनव निर्वाण, प्रभारी सांगानेरी गेट UPHC। पेशेंट को रिलीफ मिले उसके लिए हमने डॉक्टर साहब की सलाह लेकर के और एक हार्ट किट बनाया जिसका नाम हमने मेस आरोग्य किट दिया है। इसके अंदर हमने तीन गोलियां रख करके इसको लोगों को, इसके अंदर लिखा हुआ भी है, आइसोडीन गोली के लिए विशेष तौर से इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और ब्लड पतला करने की गोली भी रखी हुई है। और हमारी कोशिश यह है कि पूरा प्रांत जो हमारा है उसके अंदर हम 25,000 किट बांटने का हमारा ये है। उपनगरपुर में घाटी के हनुमान मंदिर पर सोमवार को माली समाज के दूसरे सामूहिक विवाह सम्मेलन में 21 जोड़े हमसफर बनेंगे। इस सम्मेलन को लेकर तैयारी को अंतिम रूप दिया गया। सामूहिक विवाह सम्मेलन के अध्यक्ष फिरुलाल माली ने बताया कि सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आयोजन समिति के शंकरलाल माली ने बताया कि घाटी के हनुमान जी मंदिर पर सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर विशाल पांडाल बनाया गया है। सामूहिक विवाह सम्मेलन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया है। सम्मेलन को लेकर भव्य सजावट की गई है। इस मौके पर तुलसी विवाह का भी आयोजन रखा गया है। विजय गढ़वाल की रिपोर्ट। द्वितीय सामूहिक विवाह सम्मेलन में सभी समाजजनों को पधारना है पूर्व स्थित घाटी के हनुमान जी के यहाँ। धन्यवाद। शरीर के टायर समझे जाने वाले घुटनों एवं अन्य जोड़ों को सही रखने के लिए नियमित खान पान एवं व्यायाम से दुरुस्त रखा जा सकता है। ये बात अहमदाबाद से आए जोड़ प्रत्यारोपण वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर हिमांशु माथुर ने पुराना शहर माहेश्वरी महिला मंडल एवं श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति के तत्वावधान में निशुल्क जोड़ रोग प्रत्यारोपण शिविर के शुभारंभ के अवसर पर जोड़ों को दुरुस्त रखने के महत्वपूर्ण टिप्स बताते हुए अपना घर वृद्धाश्रम आरसी व्यास कॉलोनी में कही। निःशुल्क जोड़ रोग प्रत्यारोपण शिविर के शुभारंभ के अवसर पर मंचासीन दक्षिण राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी सभा अध्यक्ष राधेश्याम चिचाणी, समिति के अध्यक्ष दलाल समदानी, पुराना शहर माहेश्वरी महिला मंडल अध्यक्ष सुमित्रा भदादा, सचिव पूनम पोरवाल, उपाध्यक्ष उषा समदानी, मधु महाजन ने दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। समिति मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर में लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, दीनदयाल मारू, देवेंद्र सोमानी, जयकिशन मित्तल, स्टर्लिंग हॉस्पिटल के अनिल शर्मा, सुभाष गर्ग, रामायण सोमानी, शांता सोमानी, दया शंकर शुक्ला, महिला मंडल की संतोष तोषनीवाल, उषा पटवारी, स्नेहलता पटवारी, आशा पटवारी, उमा काबरा, मंजू डाट, कौशल्या समदानी, रश्मि कोकटा, वेजंती समदानी, अनिता बाहेती, प्रिया भंडारी, संगीता पटवारी, शीलू इनानी आदि उपस्थित थे। मुकाबले वीक हैं और वो मेनोपॉज के बाद और वीक हो जाती है, वजन और बढ़ने लग जाता है, कैल्शियम और लॉस होने लग जाता है, विटामिन डी का और लॉस होने लग जाता है, इन सब से मसल्स और वीक होती है, हड्डियां और वीक होती है, लेकिन काम वैसा ही करने का जैसा पहले था। अच्छी बात है, आपकी मन में इच्छा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पॉसिबल नहीं है अगर हम वैसे का वैसे जिंदगी व्यतीत करें जैसे कि 30 साल में थी तो 60-65 में वो नहीं हो सकता है। और यही सबसे बड़ी टिप है, पुरुषों के लिए भी एक टिप है, लेकिन पुरुषों में ये चेंज अमूमन 65-70 के बाद आना चालू होता है, महिलाओं में ये 55-52-53 से ही ये जो चेंजेस हैं बॉडी में वो आने लगता है। तो देखिए, अगर हमको घुटनों को घिसने से बचाना है, घुटने ये सारे ही जोड़, देखिए जोड़ है क्या, जोड़ देखो महावीर जी ने बोला वो भी टायर ही, मैं तो घुटनों को टायर ही बोलता हूँ। घुटनों पे और फूलों पे और कमर पे पूरी जिंदगी हम लोडिंग डालते हैं, जैसे अभी मैं खड़ा हूं तो ग्रेविटी के कारण मेरे कमर पे भी लोड आ रहा है, घुटनों पे भी लोड आ रहा है। आयुष विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में अजमेर संभाग स्तरीय आरोग्य मेला नगर परिषद के चित्रकूट धाम में आयोजित किया जा रहा है।
आयुष विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर ओपी नागर ने बताया कि आरोग्य मेले के प्रथम दिवस सांस्कृतिक संध्या में कवि सम्मेलन का आयोजन युगीन साहित्य प्रवाह संस्थान के द्वारा किया। प्रचार प्रसार समिति प्रभारी डॉक्टर संजय कुमार शर्मा ने बताया कि डॉक्टर अवधेश जौहरी ने सरस्वती वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। योगेश दादी, जयप्रकाश भाटिया, सतीश कुमार व्यास, अवधेश जौहरी, रामेश्वर रमेश, ओम उज्जवल, राजेश सैन, युगीन दादीश ने कविता सुनाई। इस अवसर पर पुखराज सोनी, प्रकाश पारासर, आदित्य जाट, ओम प्रकाश शर्मा तथा आयुष विभाग के चिकित्सक नर्सिंग स्टाफ उपस्थित थे। अगर मुझको तुम स्वीकार कर ना सके, छोड़ देंगे मुझे फिर अकेला सभी। तेरी खुशबू को मैं जी रहा हूँ अभी, छोड़ कर फिर मुझे तुम न जाना कभी। तूने छू कर मुझे फिर से जीवन दिया, धड़कनों को मेरी फिर सहारा दिया। इतना आसान होता तुम्हारे बिना, जी न लेते फिर हम अकेले यहाँ। अगर चाहत पे अपनी जो एतबार है, बात करो मात पे नगात करो, दोगली न बात करो, और करने रक्षा धर्म की छाती तान लीजिए। और अंतिम बात पर उठे आपकी तालियां, कि मात पे नगात करो, दोगली न बात करो, करने रक्षा धर्म की छाती तान लीजिए। और देश जो बचाना है तो गाय को बचा लो भाई, एक बात मन मही आप उठा लीजिए, एक बात मन मही आप उठा लीजिए, एक बात। और कलम क्या है, ये कलम का धर्म बनता है हमारा कि जो आज जो विडंबनाएं जो विसंगतियां समाज में है हम उन्हें उकेरे। कलम क्या है अभी जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। भीलवाड़ा हलचल के वीडियो बुलेटिन में विज्ञापन देकर अपने कारोबार को गति दें। भीलवाड़ा हलचल अपने लाखों सब्सक्राइबर तक सबसे पहले पहुंचाता है हर खबर को। संपर्क करें विजय गढ़वाल, मोबाइल नंबर 6377364129, भीलवाड़ाहलचल@gmail.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत, आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। श्रीराम मंडल सेवा संस्थान द्वारा सिद्धार्थ नगर आवरी माता मंदिर के पास भीलवाड़ा में शनिवार को मंडल अध्यक्ष शांति प्रकाश मोहता के नेतृत्व में चंग पर सुंदरकांड पाठ की चौपाइयों व होली की धमाल के साथ फाग महोत्सव मनाया गया। आयोजक मुकेश वर्मा ने बताया कि मारवाड़ और शेखावटी के कलाकारों ने होली की धमालों के साथ अपनी शानदार प्रस्तुति दी एवं सभी भक्तों ने ठाकुर जी के संग फूलों की होली खेली। चंगवादन में राजपाल ढाका, प्रहलाद शर्मा, बनवारी माली, जगदीश जाट, लक्ष्मण सिंह शेखावत, रामकुमार शर्मा, उपेंद्र गुजर, हरि सिंह चौधरी, जसवंत खटोड़, प्रताप चौधरी, रामनिवास जाट, शुभकरण शर्मा, बालवीर मेघवाल, भंवर सिंह पवार व गायक मंगलचंद मिश्रा, किशन चौधरी, सत्यनारायण सैनी, बनवारी लाल सैनी, आशीष खेतान, पंकज पंचोली आदि कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में पूर्व पार्षद दुर्गा देवी कुमावत एवं महिला मंडल ने फाग की विशेष ड्रेस कोड के साथ एवं पुरुषों ने सफेद ड्रेस कोड में चंग पर होली की धमाल एवं सुंदरकांड की चौपाइयों पर खूब नृत्य किया। इस अवसर पर मंडल के दिलीप सोनी, चैन सिंह सोहान, रतन अग्रवाल, पाबुदान सिंह तारापुरी, सत्यप्रकाश लोहिया आदि सदस्य एवं पूरा सिद्धार्थ नगर परिवार उपस्थित था। Yeah.
प्रजापति नवयुवक संस्थान के तत्वावधान में प्रजापति महिला मंडल ने पटेल नगर स्थित छात्रावास में धूमधाम के साथ फागोत्सव मनाया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम महिला मंडल के अध्यक्ष डॉ. रानु प्रजापति एवं समस्त सदस्य नवयुवक संस्थान के पदाधिकारी कन्हैयालाल प्रजापति, सुखदेव प्रजापति, तेजुराम प्रजापति ने दीप प्रज्वलन का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में श्री कृष्ण व राधा के साथ सभी महिलाओं ने कोपियां बनकर नृत्य प्रस्तुतियों के साथ फूलों की होली का भरपूर आनंद लिया। महिलाओं ने विभिन्न रोचक खेल में भाग लेकर कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। सभी महिलाओं ने रैंप वॉक कर अपने वर्चस्व को प्रदर्शित किया। सर्व ओबीसी समाज महापंचायत उदयपुर द्वारा शिव दर्शन माली कॉलोनी उदयपुर में सावित्री बाई फूले की 127वीं पुण्यतिथि मनाई। प्रवक्ता नरेश पुरबिया ने बताया कि भारत की पहली महिला शिक्षिका, नारीवादी आंदोलन की अग्रणी कवित्री तथा महान समाज सुधारक सावित्री बाई फूले की पुण्यतिथि पर ट्रस्ट कार्यक्रम में सावित्री बाई फूले की तस्वीर पर माला एवं पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। संस्थापक दिनेश माली ने कहा कि समाज सुधारक सावित्री बाई फूले के आदर्श पर चलने की प्रेरणा लेकर समाज सुधार के कार्यों को किया जाए, तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सीमित संसाधन एवं विपरीत परिस्थितियों में समाज सुधार की प्रेरणा सावित्री बाई फूले जीवन से लेनी चाहिए। कार्यक्रम में संस्थापक दिनेश माली, संरक्षक भवरलाल सुवालका, कोषाध्यक्ष बालकृष्ण सुवालका, महिला संरक्षक धारावती चुन्नेलाल, प्रवक्ता नरेश पुरबिया, मणिबेन पटेल, रुक्मणी कुसुम, सुनीता सुशीला, रूपा देवी, गणेश प्रेमलता तारा उपस्थित थे। परशुराम जन्मोत्सव मनाने के लिए निमंत्रण पत्रों का विमोचन एडवोकेट हेमेंद्र शर्मा द्वारा किया गया, जिसके अंतर्गत परशुराम जन्मोत्सव को समाज की रजिस्टर्ड 50 संस्थाएं सामूहिक मिलकर धूमधाम से 9 मई एवं 10 मई को मनाएंगी। यह जानकारी परशुराम सेवा संस्थान के सचिव विकास व्यास द्वारा दी गई। विमोचन के अवसर पर एडवोकेट हेमेंद्र शर्मा ने कहा कि वह पूर्ण जोश के साथ परशुराम सेवा संस्थान के माध्यम से मनाई जा रही जन्मोत्सव में पूर्ण सहभागिता व सहयोग प्रदान करते हुए सकारात्मक सोच के साथ समाज को मजबूत बनाने के लिए पूर्ण प्रयासरत रहकर समस्त युवाओं को एवं वरिष्ठों को आमंत्रित कर परशुराम जन्मोत्सव में पधारने के लिए दृढ़ संकल्पित कर उन्हें आमंत्रित करेंगे। इस अवसर पर समाज के कई वरिष्ठ व्यक्ति मौजूद थे। विमोचन के अवसर पर चंद्रशेखर शर्मा, नरेश ओझा, राधेश्याम उपाध्याय एवं कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। भीलवाड़ा में खड़ी कार का जयपुर में टोल कट जाने से कार मालिक हैरान और परेशान है। यह सब कई लोगों के साथ हो चुका है, लेकिन टोल प्रबंधक इस मामले में उदासीनता बरत रहे हैं। भीलवाड़ा की पंचवटी कॉलोनी में रहने वाले सुरेश धोबी की कार घर पर खड़ी थी और 80 रुपए का टोल जयपुर में कट गया। धोबी का कहना है कि उनकी गाड़ी कहीं गई नहीं, फिर टोल कैसे कटा। और ये देखो आप, ये पेटीएम का मैसेज आया और ये टेक्स्ट मैसेज आया। ये टेक्स्ट मैसेज देख लो, टाइम हो रहा है 3:22। हिमहेश सेवा समिति द्वारा संचालित माहेश्वरी पब्लिक स्कूल आजाद नगर में वार्षिकोत्सव मनाया गया। इसका शीर्षक अभ्युदय रखा गया। वार्षिकोत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि उच्च जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भीलवाड़ा राजपाल सिंह, विशिष्ट अतिथि दक्षिणी राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी सभा अध्यक्ष राधेश्याम चिचाणी, पूर्व अध्यक्ष महेश सेवा समिति शिव नारायण दरक, पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू ने माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। बच्चों ने भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के बलिदान को याद किया। कोरोना काल में भारत की योगदान वैक्सीन को याद किया। चंद्रयान व्यादित्य की सफलता को बहुत ही मनमोहक रूप से प्रस्तुत किया। इसमें बताया गया कि भारत विकासशील से विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है। श्री महेश सेवा समिति के सचिव राजेंद्र कुमार कचोलिया ने कहा कि अभ्युदय के माध्यम से हमारे विद्यार्थी भारत में होने वाली नीतिगत चर्चाओं, विकास कार्यक्रमों और सामाजिक आर्थिक विकास से अवगत होंगे।
उपाध्यक्ष कृष्ण गोपाल जागेटिया ने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की। उपाध्यक्ष सत्यनारायण मुंदड़ा ने सभी बच्चों को प्रोत्साहित किया। प्रिंसिपल अल्पा सिंह ने बताया कि इस थीम के माध्यम से प्राचीन भारत का गौरव, आजादी का संघर्ष, वीर जवानों का बलिदान, खेल तथा कला संस्कृति के क्षेत्र में भारत ने कामयाबी का जो परचम लहराया है उसकी कुछ झलकियां प्रस्तुत की। वाइस प्रिंसिपल रुचि रस्तोगी ने आभार ज्ञापित किया। मंच का संचालन अल्पा जैन ने किया। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।